जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व के अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री रमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणनी आर्य का रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमिनाथ भगवान, ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महा मृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े, पंथ परंपरा जोड़े, 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। श्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम्भं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं छुं छुं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ॐ नमो पवित्रेण ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमो वीतरागाय नमो नमः परम शुद्ध चेतन सिर परमात्मा नमः मूलक विधि विराजमन आदिनाथ पार्श्वनाथ चंद प्रभु शांतिनाथ जिंदनुस्सा ओंकार बिंदु शिक्तम नित्तम ध्यायन्ति योगिनः काम दम मुक्त दम देवम ओंकार। तत्पश्चात पूजन विधान आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। सब विघ्न विनाशक सुख कर है कलिकुंड सुयंत्र नमो वर है। ओम री श्रम कलिकुंडन श्री वासना तय धरणीन पद होदी से तय तुल वल्लभी प्राकृत सर विघ्न विनाशनाय हम लरु बम लरु रम लरु गम लरु जम लरु सम लरु गम लरु रु मनाद विजय से कलिकुंड पासना स्वामी गर विजयन तब ज्ञान। विधान के दौरान समस्त आर्यिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगल नाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। पूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भवतापिनिवार भवतापिनिवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम रीम उत्तम क्षमा दस्त महामो अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति परमेश्वरी अत्रे अवतर अवतर सम्भूषणित महान। ओम ओम नमोरी यंत्रणा मरत परमेश्वरी अटय स्थापना। ओम ओम नमोरी यंत्रणा मरत परमेश्वरी अत्रे मम। कार्यक्रम में पूजन विधान के मध्य श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में चमन डुराते हुए भक्ति संगीत भजनों पर नृत्य करते हुए भगवान की खूब भक्ति भाई। सब शरणम साधु परमेश्वरी जय माला पुनर्गम निर्वामिति स्वाहा। ओम नमो रेन्द्रम नमो सिद्धम ओम नमो आयरम नमो अच्छम छोड़ो तो लगे तुम लोग क्या कह रहे कि जयगी जय पिता श्री माता। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्यंत्रों के मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की आरती उतारी। सुंदरम की आरती आरती पंच पदन की ओम नमो सीतारम सिद्धों के नमन की आँखों के तारे काशी नगरी में लियो आवेदार लियो आवेदार कि आज तारी आरती उतारू चिंतामणि पारस आरती उतारू थारी मूरत निहारू आरती उतारू थारी मूरत निहारू आशीष देना गुरुमा विद्या विधा श्रीमान हे गुरु माँ तुमरे द्वारे दूत करो समकित धारी समकित धारी सदा सुखकारी। तदुपरांत पूज्य आर्यिका रत्न श्री विद्या श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। षोडशी अक्षरों का मंत्र यदि स्मरण किया जाए तो लाखों भवों में जो दुख या कष्ट हो रहा है वह भी दूर कर देता है। लाखों भवों को में कष्ट देने की जो शक्ति है सामर्थ है वह एक क्षण में उसे नष्ट कर देता है। मात नवोकार मंत्र की शक्ति मात नवोकार मंत्र का स्मरण। अब कहते हैं कि इसके भव्य जीव यदि एकाग्रचित होकर इसको नमस्कार मंत्र को पढ़े तो क्या होता है तो बताते हैं। जो थुक मणो भवियो मावेण पंच नवकारम सो गच्छै शिवलोयम् उज्जय अंतो दस दिशाओ। क्या कहते जो भव्य जीव भावेण भावपूर्वक पंच नमकारम जो पांच परमिष्टियों को या नवोकार मंत्र की जो थुड़ई माने जो स्तुति करता है
एक मनो क्या कहते हैं, एकाग्रचित होकर, कैसे होकर, कहते एकाग्रचित होकर स्तुति करता। ऐसा नहीं इधर तो स्तुति कर रहे, इधर देख रहे, इधर देख रहे, इधर देख रहे, इधर बातें भी कर ले रहे, इधर वो भी कर ले रहे, सब प्रकार की बातें भी हो रही हैं, वो घर मंत्र भी हो रहा है। तो कहते नहीं, जो भव भाव पूर्वक एकाग्रचित होकर पंच नमस्कार मंत्र को क्या करता है, दृढ़ भई माने दृढ़ता पूर्वक स्तुति करता है। थोड़ा एक और क्या करता है, सो गच्छै शिवलोयम, वह उसका वह कहाँ जाता है, कहते हैं मोक्ष में चला जाता है। और उसका शिवलोयम माने शिवलोक माने मोक्ष में, मोक्ष लोक में चला जाता है। जो यंतो दस दिशाओं उसका जो प्रकाश है, उसकी जो प्रसिद्धि है, वह दसों दिशाओं में फैलती है। उसकी जय दिश वह प्रसिद्धि या वह पुण्य उनका दसों दिशाओं में चमकता है। क्यों? क्योंकि वह उत्कृष्ट साथ ही सह पुण्य का बंध होता है। भगवान नवोकार मंत्र की स्तुति करने से भावपूर्वक, शर्त है कि भावपूर्वक जो करता है। तो कल अपना कहा था ना कि जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति कल कहा था कि शुभचंद आचार्य ने कि एक करंट का काम करता है, विद्युत का काम करता है, कि एक मात्र नवोकार मंत्र पढ़ने से कहते हैं कि आत्मा में ऐसा धक्का लगता है, ऐसा धक्का लगता है कि वह चार प्रकार की संज्ञाएं पराजित हो जाती हैं। फिर आया था कि वह मनोवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति की, वह भी कहते हैं जो प्रवृत्ति कर रहा है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन हो जाता है? पहले मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन होता माने उसका निरोध हो जाता है। निरोध और विरोध का कल कहा था कि निरोध कर देता है वह। जैसे कोई अपने घर में आए और उसकी आवभगत ना करें और मोह मोड़ लें तो वो चला जाता कि नहीं चला जाता? अरे हमारा तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही जब अपनी प्रवृत्ति में उत्तेजना जागृत होती है, उत्तेजना जागृत होती है तो कहते हैं उसे होने दो, उसे ज्यादा अवसर मत दो, तो कुछ समय बाद वह नष्ट हो जाएगी। और जब कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगी, एक बिलियन जेंस हुए हैं बहुत बड़े दार्शनिक, वो कहते हैं बहुत अधिक समय उस उत्तेजित प्रवृत्ति को बहुत अधिक समय मत दो, तो वह अपने आप नष्ट होती चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। ऐसे ही कहते हैं जो अपनी विकार रूप परिणति है, प्रवृत्ति है, जो प्रति समय विकार रूप प्रवृत्ति हो रही है, राग देश रूप प्रवृत्ति हो रही है, जिससे अपने को मानसिक अशांति हो रही है, तो उसको क्या करो, कहते उसे अवरुद्ध कर दो, तो वह अपने आप नष्ट हो जाएगी। फिर कहते हैं उसका निषेध कर दो, निषेध द्वारा, विरोध द्वारा, कहते हैं विरोध द्वारा विलयन हो जाता है। किसी प्रवृत्ति में, एक प्रवृत्ति में अपन लगे हैं, एक प्रवृत्ति में कार्य कर रहे हैं और दूसरी विपरीत प्रवृत्ति आके उत्तेजना दे रही है, अपना मन नवोकार मंत्र में लगा है और अपना मन यहाँ तो अपन मंत्र की जाप कर रहे हैं और अपना जो मन है, किसी ने कोई बात कह दी या किसी ने कोई आके डिस्टर्ब कर दिया तो अपन का उत्तेजित हो जाता ना, हैं? अपना मन उत्तेजित हो जाता कि शांति से तुम्हारे मारे हम माला भी नहीं कर सकते क्या? तो कहते हैं उत्तेजित हो जा, तो कहते उसे उत्तेजित होने दो। क्यों? क्योंकि एक शांत और एक विरुद्ध, दो प्रवृत्तियां एक साथ उभरेंगी तो उसकी शक्ति अपने आप घट जाएगी, घटाना नहीं पड़ेगी,
अपने आप घटती जाएगी। और फिर उसको जो प्रकाशन करने की जो मैं, जो शक्ति को प्रकाश करने का जो मैं है, तो वो अंतर आ जाएगा, प्रकाशित करने में अंतर आ जाए, तो प्रकाशित करने में अंतर आ जाए, फिर शांति से वह शक्ति अपने आप विलीन हो जाएगी। तो कहते हैं एक क्या है, एक द्वंद्व रूप शक्ति है, एक सहानुभूति रूप शक्ति है। जब द्वंद्व रूप शक्ति और सहानुभूति शक्ति दोनों एक साथ होगी, द्वंद्व होगा, परिणामों में द्वंद्व होगा, कोई आके सहानुभूति दे दे, अरे तुम करो तो जाओ, तो दोनों सहानुभूति जो शक्ति है, तो कहते हैं वह सहानुभूति रूप जो शक्ति है तो वह तुम्हें बहुत बड़ा सहारा देगी। ये नवोकार मंत्र ही एक सहारा है, और उस सहानुभूति और कोई नहीं है, नवोकार मंत्र ही एक, नवोकार का स्मरण, नवोकार मंत्र का स्मरण ही तुम्हें एक अपनी शांति और अपनी वृद्धि करने में बहुत बड़ा संबल देगी। तो एक प्रवृत्तियों का निरीक्षण मरणांतिकरण और एक शोधन, दो और रह गए। बोलो महावीर भगवान की जय। दर्शकों आज की इस कड़ी में बस इतना ही, कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे श्रृंखला के अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दी।